माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं हूँ अपने किचन में, बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी सब्जी। तो सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू और पत्ता गोभी की सिंपल वाली सब्जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो एक दिन मैंने और बनाई थी, 2 दिन बनाई थी मैंने और, बट उस टाइम ना मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैं कहा चलिए आज कर लेती हूँ मैं। तो और ठंड ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होने लगी है, आप लोग को देख के लग रहा होगा, टोपा ओपा सब लगा रखा है। तो ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड। तो और फिर अगर अपने को बचाना है ना तो फिर कवर कवर करके रखना पड़ेगा अपने आप को। और मैं तो वैसे भी ना इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरी पिछले 8-10 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, चेस्ट पेन और सांस फूलना, ऐसी दिक्कतें हो रही थी मुझे, है ना। तो इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से सबकी वीडियो पर भी मैं नहीं जा पा रही थी कंटिन्यू, और ना ही वीडियो डाल पा रही थी सही से मैं। तो बस वही LV में कर लेती थी थोड़ा थोड़ा, तो बस उसी में जो भी मुझे मिल गया, वॉच टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलिए अब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है, आराम है, तो मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो का जो है इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और पता है कुछ लोगों को ना ये मजाक लगता है या बहाना लगता है जब हम किसी को बताते हैं ना कि यार हमारी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए हम LV में नहीं आ पाए, वीडियो में नहीं आ पाए, तो सामने वाले को ना ऐसा लगता है कि हम बहाना कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने मुझसे ऐसा कहा है, जब मैंने उसे ये एक्सक्यूज़ दिया, अपनी ये दिक्कत बताई कि मैं इसलिए नहीं आ पाई, तो सामने वाले पर्सन ने मुझे कहा कि ये तो बहाना है, आप खुद की LV में तो आ जाते हो और औरों की में आप बीमार हो। तो फ्रेंड्स तो वही सब दिक्कत है कि कहने वाले को कुछ नहीं कहा जा सकता, रोका नहीं जा सकता फ्रेंड्स, बट ये बिल्कुल रियल है। जो मेरे फ्रेंड्स मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं लगातार, वो समझ सकते हैं। मैंने हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने वहाँ का भी शेयर किया था, और अगर आप कहो तो मैं अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ मैं आपको विद प्रूफ कि हाँ मेरी तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन मैं ऐसा खैर जरूरी नहीं समझती किसी एक दो इंसान के लिए ऐसा, अगर वो मुझे अन करता है तो कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो उसका अन कर देना ही अच्छा है, क्या फ़ायदा जो हमारी प्रॉब्लम को ना समझे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं सब्जी कैसे बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बनाने जा रही हूँ मैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी मैंने काट के रख लिया है और आलू कट करके रख लिए हैं, और इधर से ये मटर भी मैंने कट करके रख लिए हैं फ्रेंड्स, और टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने सारी तैयारी कर ली। और फ्रेंड्स हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, तो मैंने लहसुन प्याज नहीं कट किया है, लहसुन प्याज हम लोग नहीं लाते ना ही खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, तो हम उसमें डाल देंगे ये देखिए मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, और अभी हमारा जीरा मेथी चटक गया ना तो उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और जब तक हमारी हरी मिर्च पक रही है हम इधर से अपना जो है मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें से हम लेंगे ये 1.5 चम्मच के करीब हमने ले लिया है हल्दी पाउडर, और उसके बाद 1 चम्मच हमने ले लिया है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा और ले लेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद 1/2 चम्मच ले लिया हमने लाल मिर्च, छोटा चम्मच है, 1/2 छोटा चम्मच। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हमारा जो है हरी मिर्च हमारी लगभग पक चुकी है, हम इसको जलाएंगे नहीं ज़्यादा, और अभी हम ये मसाला अपना तैयार कर ले रहे हैं साइड से। तो
ये देखिए अभी मिर्च हमारी हो गई है ना, हम ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं। देखिए तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी ये मटर जो है हमारी, जिससे कि हल्की सी फ्राई हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ये हमारा जो मसाला है, बस इसको हम ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट हमें अच्छे से पका लेना है इसको। ये देखिए अभी मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है, तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे सबसे पहले अपनी पत्ता गोभी। इसको जलाएंगे नहीं ज़्यादा कि पानी सुखाएंगे, और अभी हम साथ के साथ डाल देंगे अपने आलू। और आलू डालने के बाद अच्छे से हम इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड, ये देखिए अभी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए डेढ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, छोटा चम्मच है ना ये, तो हमने 1.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इसमें, और इसको ऐसे चला देंगे। तो अभी ये देखिए, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि ना हमारे घर में बिल्कुल सूखी सब्ज़ी किसी को भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए रसे वाली तो नहीं रहेगी, लेकिन आप देखिएगा बनने के बाद। हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और अभी हम इसको एक उबाल आने तक इसको ऐसे ही ढककर पका लेंगे। और चलिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स, अभी हमारी सब्जी में एक उबाल आ गया है। ये देखिए इस स्टेज पे डाल देंगे ये टमाटर, क्योंकि अभी हमने टमाटर नहीं डाले थे साथ में, क्योंकि ना अभी नई आलू है तो थोड़ी सी दिक्कत कर देती है उबलने में, अगर पहले टमाटर डाल दिए जाएँ तो। तो जब एक उबाल के बाद आप डालो ना तो आलू अच्छे से उबल जाती है। और अभी हम इसको ऐसे ढक देंगे इसके अंदर ऐसे, इसको ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी हमारी सब्जी जो है, चलिए दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो ये देखिए अभी टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इन टमाटरों को सब्जी में मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर देखिए सब्जी में कितना अच्छा कलर आता है इसका। तो सब्जी को ना देखकर ही मेरे फ्रेंड्स भूख बढ़ जाती है पेट में, तो खाने में बहुत यम्मी लगती है। आप ना आलू पत्ता गोभी की सब्जी इस तरीके से बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहें ना तो पहले आप इनको बॉईल कर लीजिए आलू और पत्ता गोभी को, तब बनाइए, दोनों तरीके से बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी सब्ज़ी देखने में ही कितनी यमी लग रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। तो बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की जो सब्ज़ी की रेसिपी है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी, तो आप लोग भी बनाइएगा ऐसे, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हो गई ना बिल्कुल सब्जी, ना तो बिल्कुल पानी वाली है, रसे वाली, और ना ही बिल्कुल एकदम सूखी, बहुत अच्छी सी बनी थी सब्जी मेरी, कि आप इसको चावल से भी खा सकते हो और रोटी से भी खा सकते हो, पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, हर तरीके से खा सकते हो इसको आप, अच्छी लगेगी।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और ये देखिए मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ सफाई हो गई है और अब जा रही हूँ मैं अपना किचन लॉक करने क्योंकि अब मुझे आना है लाइव। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल सुबह, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड नाइट, बाय बाय।